सच्चाई है। अब ये सारे विषय पार्टी के, सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं, परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब हार के कारणों की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है, क्या कारण निकल के आए हैं और क्या इसके ऊपर आपने आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया और उसी का यह परिणाम। लेकिन धीरे 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 प्रदेश की जनता सारे विषय को समझ रही है और मोदी जी के प्रति हम सबका विश्वास है। वैसा विशेष तौर पे भले विपक्ष का एजेंडा हो लेकिन हार तो हुई है और अयोध्या और वाराणसी के कॉरिडोर को लेकर काफी कुछ बात नहीं है, उनको किस तरह से ये मैंने बताया निगेटिव एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपरा, आस्था, विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और बनारस सहित बनारस या मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी देवी का कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, और हम लोग को जनता ने चुना है और निश्चित रूप से हमारी आस्था, विरासत और परंपरा हमारी प्राथमिकता में है। भाजपा उसी आधार पर आगे बढ़ रही है, उसी एजेंडे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आपने चुनाव का कहा, लोकतंत्र में जय पराजय होती है, अंतिम निर्णय जनता को करना होता है। हो सकता है कि कुछ कमी हम लोगों से रही हो कि हम अपनी बात लोगों को ना समझा पाए हो, विपक्ष का जो निगेटिव एजेंडा है वो प्रभावी रहा हो, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ उन कमियों को सुधार के जनता के बीच में जाएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।